फ्रेंड नमस्कार, आप लोगों का गोल्डन शेयर मार्केट में स्वागत है। मैं हूं अनिल मौर्य और आप लोग देख रहे हैं गोल्डन शेयर मार्केट की वीडियोज। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोज में मैंने बहुत सारा बेसिक्स डिटेल्स बेसिक चीज़ आपको बताया है शेयर मार्केट के बारे में। इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बेसिक नॉलेज और देने वाला हूं, कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टाइप ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, इक्विटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है और करेंसी मार्केट क्या होता है। इन तीन मार्केट के बारे में डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। मैं बेसिकली इस वीडियो में इक्विटी मार्केट के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए आपको आसानी से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आइए हम इक्विटी मार्केट के बारे में देखते हैं इक्विटी मार्केट होता क्या है। हम इक्विटी मार्केट में कंपनियों के शेयर्स को बाई करते हैं। जिस मार्केट में हम कंपनियों को शेयर्स को बाई करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। फ्रेंड्स, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों के शेयर्स को बाई करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं तो हम उस कंपनी के ओनरशिप हम हो जाते हैं उतने परसेंट का। तो फ्रेंड्स, सेम यही चीज़ हम कुछ कंपनी के जो शेयर्स बाई करते हैं वो हम इक्विटी मार्केट में करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में जो भी कंपनियां हैं, जो भी हम कंपनियों के शेयर्स बाई करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के होते हैं। ऐसे फ्रेंड्स देखेंगे तो आईटी सेक्टर है, ओके, बैंकिंग सेक्टर है। तो हमारे इंडिया में जो भी कंपनियां हैं इन्हीं किसी न किसी सेक्टर से बिलोंग करती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है जहां पे फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ियां बनती हैं। बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग कंपनियां होती हैं। एफएमसीजी है, फूड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कंपनी, फास्ट मूविंग गुड कंपनी, ओके। और मेटल सेक्टर है जहाँ पर मेटल की कंपनियाँ होती हैं। फार्मा सेक्टर है जहाँ पे दवाइयों के, फार्मा के, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, ये सारे सेक्टर्स आते हैं इसमें फार्मा सेक्टर में। रियल्टी सेक्टर है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग की कंपनियाँ आती हैं। मीडिया सेक्टर है जहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कंपनियाँ होती हैं, ओके फ्रेंड्स। और एक नेक्स्ट है फिनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हाउसिंग, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट, LIC, ओके, LIC हाउसिंग फिनेंस। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स है जहां जिनके अंदर कंपनियां वो सारी आती है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अभी टाइप ऑफ इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट दो प्रकार का होता है बेसिकली, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मैंने इससे पहले वीडियो में प्राइमरी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। जब कोई भी कंपनी IPO के थ्रू आती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट बेसिकली IPO होता है। हम इस वीडियो में सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकेंडरी मार्केट है ये भी दो टाइप्स का होता है। इसमें भी एक कैश होता है और एक डेरिवेटिव होता है, ओके। तो हम इस वीडियो में सिर्फ सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करना, क्योंकि प्राइमरी मार्केट के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के आपको दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर IPO के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी मार्केट, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट क्या होता है, हम जब किसी कंपनी के शेयर्स को कैश में खरीदते हैं पैसे देकर, तो उस मार्केट को बोलते हैं कैश मार्केट। अब ये जो कैश मार्केट है ये अगेन दो प्रकार का होता है, इंट्राडे और डिलीवरी, ऐसा दो टाइप्स होता है। तो इंट्राडे के बारे में आपको पता रहेगा या नहीं पता रहेगा, इंट्राडे में कैसा होता है, आज ही किसी शेयर्स को खरीदना है, आज ही बेचना है। आगे मैं और वीडियो बना के दूंगा आपको इंट्राडे डिलीवरी के बारे में, इसमें थोड़ा जस्ट मैं टच कर रहा हूँ। डिलीवरी क्या होता है कि हम कोई भी शेयर्स को आज बाई करते हैं और उसको लाइफ में कभी भी सेल कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी। इसमें खाली पूरा पैसा अपना लगता है और इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, 1 लाख रुपये है तो आप 20 से 40 लाख रुपये शेयर्स ले सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट फ्रेंड्स अगेन दो प्रकार का होता है, ऑप्शन और फ्यूचर। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा आपको, उसमें आपको डिटेल समझ में आएगा। यहाँ पे पैसा कम लगता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है डेरिवेटिव मार्केट में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन और फ्यूचर दो टाइप होता है। ये अगेन ऑप्शन फ्यूचर दो टाइप्स का होता है, स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर, ओके। तो स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर, स्टॉक मतलब क्या, कंपनियों के शेयर्स का ऑप्शन फ्यूचर है तो उसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर। और इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स में आता है। इससे फ्रेंड्स ऑप्शन दो प्रकार का होता है, अगेन कॉल और पुट। कॉल मतलब जब कोई कंपनी ऊपर जाती है तो उसका हम कॉल बाई करते हैं, अगर स्टॉक गिरने वाला है तो उसका हम पुट बाई करते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। फ्रेंड नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जहां पे हम प्राइमरी
पार्ट को, इकोनॉमी के जो प्राइमरी थिंग्स है उसको हम परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। जैसे बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग रॉ आर प्राइमरी प्रोडक्ट। ये प्राइमरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसमें फ्रेंड दो आते हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनियां होती हैं और नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। सॉरी, इसमें कंपनी नहीं होती है, प्रोडक्ट होते डायरेक्टली। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे आपको सब पता रहेगा, गेहूँ, चना, राइस, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट आती है, उससे हम ट्रेडिंग करते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर में हम जो भी प्रोडक्ट है हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ये इसमें तीन एक्सचेंज है जहाँ पे हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। पहला है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX, दूसरा है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और तीसरा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ICX, जिसका वेबसाइट, ये तीनों वेबसाइट है, यहाँ पे आके जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो कमोडिटी है, वो जो प्रोडक्ट है, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, लीड, ये सारे स्टॉक इसमें हम आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। चना, व्हीट, ओके, पेपर, टर्मरिक, धनिया, चिल्ली, जीरा, करंडम, कॉटन, शुगर, मेंथन ऑयल, सोया, मस्टर्ड, ये चीज़ों पर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हम करेंसी मार्केट देखते हैं। करेंसी मार्केट में बेसिकली हम करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। अलग अलग जो भी कंट्री की करेंसी है, इंडियन करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह जैसे मान चलो अभी अमेरिका की करेंसी है, जो भी डॉलर है, डॉलर के साथ इंडियन का एक्सचेंज रहेगा, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे USD INR पेयर रहता है, हम इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। बाकी EUR INR रहता है, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली इंडियन करेंसी मार्केट में चार पेयर है, और ये £INR है, इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, और JPY INR है, इसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली चार ये जो है इसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं चार पेयर में। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी अगर इसमें डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। या अगर आपको स्टॉक एजुकेशन चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, या डीमैट अकाउंट ओपन करना है, फंड मैनेजमेंट करना है, तो हमारे साथ इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी चाहिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारे पास सर्विसेज मिलती है, एडवाइजरी आपको फ्री मिलेगा और फुल सर्विसेज मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिटेल्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।